आलिया भट्ट की गिनती बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में होती है। एक्ट्रेसेस पिछले कई सालों से बैक टू बैक हिट फिल्में दे रही हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब आलिया की समझदारी पे सवाल उठाए जाते थे। एक टाइम ऐसा भी था जब सोशल मीडिया पे उन्हें उनके बेसिक नॉलेज के लिए ट्रोल किया जाता था, लेकिन आज आलिया की छवि इसके उलट है। आज एक्ट्रेस इंडस्ट्री में टॉप पर है और गंभीर मुद्दों पे बेबाकी से अपनी राय रखती हैं। आज आलिया खुद एक ऐसा ब्रांड बन चुकी हैं जिस पर हर प्रोडक्शन कंपनी और एड एजेंसी साइन करना चाहती है। इस बारे में भी आलिया कई बार अपनी राय दे चुकी हैं। एक बड़े मीडिया चैनल से बात करते हुए एक्ट्रेस ने कहा कि पिछले 10 सालों में उन्होंने अपनी इमेज बदलने का काम किया है। उन्होंने इन 10 साल में अपने आप को डंप स्टार किट के टैग से हटाकर खुद को स्मार्ट बनाया है। उन्होंने आगे कहा कि वे उन सभी मीम से प्यार करती हैं जो उन पर बने हैं, क्योंकि इससे उनकी पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती रही है। हालांकि मुझे इन चीजों की परवाह नहीं है, मेरे लिए यह सिर्फ 10 साल नहीं बल्कि एक ऐसा सफर है जिसे मैं 90 साल तक की उम्र तक जारी रखना चाहूंगी। मैं बस हर समय काम करना चाहती हूं। अब सवाल यह है कि एक्ट्रेस ने पिछले 10 साल में खुद को इतना बड़ा कैसे कर लिया। आलिया आज टॉप पेड एक्ट्रेस में से एक है और उन्हें फोर्ब्स एशिया की 30 अंडर 30 लिस्ट 2017 में शामिल किया गया था। इसके अलावा 2014 में फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 की लिस्ट में भी थी। वहीं 2019 में वह 8वें स्थान पर थी। अगर उनकी कमाई की बात करें तो वो ईयरली $7.4 मिलियन कमाने का दावा किया जाता है। पिछले 5 सालों में सोशल मीडिया पे एक्ट्रेस की पॉपुलैरिटी में काफी इजाफा हुआ है। आलिया के इंस्टाग्राम पे 68.4 मिलियन, ट्विटर पे 21.5 मिलियन और फेसबुक पे 8.4 मिलियन फॉलोअर हैं, जिससे उनकी छवि को मजबूती मिली है। इसके अलावा आपको बता दें कि सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए सेलिब्रिटी लाखों करोड़ों रुपए चार्ज करती हैं। अगर रिपोर्ट्स की माने तो एक्ट्रेस अपने एक पोस्ट करने के लिए 85 लाख रुपीस चार्ज करती हैं। लेकिन आलिया अपने इंस्टा को पर्सनल रखती हैं। इसके बावजूद अभिनेत्री आज एक प्रोडक्शन हाउस की मालकिन है और बड़े पैमाने पे फैशन ब्रांडों का समर्थन करती हैं। इसके अलावा आलिया भट्ट आपको कैसी लगती हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए ऐसे मोर एंटरटेनिंग वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।